हमारे साथ एके मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एके मिश्रा साहब, क्या जात पर पात पर चुनाव होगा हिंदुत्व की धार पर? आप सही बोल रहे हैं चावला जी। अगर मैं कतिपय तरीकों से देखूं आजाद भारत के इतिहास में, परोक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाति धर्म जाति पात ये सारी चीजें बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये मुद्दे बड़े सेंसेशनल होते हैं और तुरंत आपको वोट स्विंग कराना है, पोलराइज कराना है, तो ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। आप देखिए, राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, मुस्लिम का, ऐसा एक इलेक्शन मुझे बता दीजिए परोक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब जाति या धर्म या पात की बात ना हुई हो। मुलायम, एक मिनट शांत रहिए। रीजनल पार्टियां जितनी आई हैं, समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, इनका तो बहुजन समाज पार्टी, इनके तो नारे हुआ करते थे जाति और पाति के ऊपर। मैं बोलता हूं या तो आप लोग ये मान लीजिए कि हाँ भाई, अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, नहीं तो सारी पार्टियां फिर आप ईमानदार होकर बोलिए ना कि हम धर्म की बात नहीं करेंगे। एक आदमी कोई जनेऊ दिखाएगा तो एक आदमी मंदिर में मत्था टेकेगा, तो एक आदमी चुनाव के पहले जामा मस्जिद के इमाम से फतवा लेगा, और ये खुद बोलते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते। अरे भाई, मान लीजिए ना कि बिना इसके सहारे हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अरे इतने दिनों तक, मैं राहुल गांधी जी की बात करता हूं, इतने दिनों तक जनेऊ नहीं पहना तो अब मीडिया के सामने जनेऊ पहनने की जरूरत क्या है? मैं बीजेपी की बात करता हूं, मोदी जी की, भाई आपके अंदर विकास का इतना दम है तो जाके गंगा जी में नहाना, फिर मीडिया पे ये सब चीजें देना, आप अपने घर में पूजा पाठ कर लीजिए। भाई बता दो कब नहाए, कोई एक क्लिप दिखा दो। गंगा का पानी नहाने लायक छोड़े नहीं है लोगों ने, उसके लिए कुछ करे ही नहीं है। एक सेकंड, गंगा का पानी नहाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने, कि नहाया नहीं है पहले, अपना कुछ पहले नहाए भी नहीं है ये लोग, गंगा का पानी ऐसा इन्होंने अपवित्र करके रख दिया। एक सेकंड, अच्छा आपने अपवित्र नहीं किया, इन्होंने किया है, मोदी ने इन्होंने किया है, बताइए 5 साल में 70 साल में सारी इंडस्ट्री तो आपने, एक कंडीशन नहीं थी, एक कंडीशन सारा शहरी का आपने किया है। जिन्हें तो याद है इनका इंदौर की जमा मस्जिद के अंदर जाके मौलवी के चालों में आप अपनी झुका याद रही है, वो याद रही है, वो बोलिए ना एक सेकंड क्यों जाके जमा मस्जिद में, क्या हो गया कल तक टोपी नहीं पहने, आप मौलवी के चालों में बस सीट झुका रहा है, वहां पे कलमा पढ़ रहा है, वो याद नहीं है, बोलिए ना एक सेकंड। राहुल का जिन्हें आपको याद है, आप तो हिंदू है, आपको खुद होना चाहिए, आप जिन्हों पे ना, आपको क्यों जिन्हों का नफरत है, सर मुझे आप क्यों बीजेपी वालों को दुर्गेश मिश्रा बताइए, एक सेकंड नफरत हो रखी है लोगों को, बताइए किसको नफरत, कोई आदमी जिन्हों पहन लिया तो किसको नफरत, एक सेकंड, मैं बीजेपी वालों को जो जो कह रहा है जिन्हों को धारी राहुल को नफरत आपको है सर, जो को जिन्हें उधारी क्या क्या टोक रहा है समझ लो, बीजेपी को आपसे नफरत है, नफरत की राजनीति, जो जिन्हें उधारी कह के राहुल जी को टोक रहा है वो जिन्हें उसे नफरत। अक्रम साहब, अगर आपको आपत्ति है, अगर एक सेकंड प्लीज प्लीज, एक मिश्रा साहब प्लीज एक सेकंड प्लीज, अगर आपको दिक्कत है अक्रम साहब तो फिर मैं सवाल पूछूंगा, सवाल पूछना मेरा अधिकार है, एकदम गुलामी वाली हालत हो गई है, एक सेकंड गुलामी भाई साहब रोने बना रखा है, अक्रम साहब प्लीज तय नहीं करेंगे आप, दलित हिंदू समाज के अंग है। पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि शास्त्रों में दलित शब्द का कोई वर्णन ही नहीं, नहीं ये जो दलित बताए गए ये दलित बनाए हैं इन लोगों ने, कांग्रेस ने, बसपा ने और सपा ने। तो आज की डेट में तो देश में सबसे बड़े दलित भगवान राम है, 450 साल से आजादी के बाद ये शब्द बनाया गया है, आजादी के पहले सनातन धर्म दलित वंचित थोड़ी था, तो वो है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था दलित का, शूद्र था। सर आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए ना कि हमारे शास्त्रों में दलित शब्द कोई वर्णन नहीं है, दलित आखिर दलित किसने बनाया है, राजनेताओं ने दलित शब्द बना दिया, एससी एसटी बना दिया। दुर्गेश मिश्रा एक सेकंड, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप लोग सत्ता में आएंगे तो जो गिरफ्तारी वाला कॉज है वो हटाएंगे? बिल्कुल, अगर नाजायज फंसे होंगे तो उनको निकाला जाएगा, मैंने कॉज हटाएंगे, कानून बदलेंगे, अगर आप हिंदुत्व की बात करें कानून बदलेंगे, या सुन लो इस पर भी सुन लीजिए, अगर हमारे राज के अंदर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई उन पहले से लगे, अरे वही बोल रहे हैं, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया वर्ड में बोलने हो गया हो गया हो गया जिसको हो गया हो गया हो गया हो गया अक्रम साहब के लिए तालियां, अक्रम साहब के लिए ताली बजा रहा हूं मैं, प्लीज एक सेकंड बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा। एके मिश्रा साहब, और फिर आपके पास आ रहा हूं दुर्गेश मिश्रा और जीतू आपके पास आ रहा हूं,
ये क्या बीजेपी इतनी बेचैन हो रही है, कांग्रेस बेचैन हो रही है हिंदुत्व की पिच पर? नहीं, नहीं, कौन बेचैन है? मैं आपको बताता हूँ, 2014 के बाद जो डायनामिक्स शिफ्ट हुआ है ना, देखिए पहले भी ये चीजें होती थी परोक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, अब भी हो रही है। बीजेपी ने इस चीज को बहुत तेजी से पोलराइज किया है, हिंदुत्व का मुद्दा। अब देखिए कांग्रेस का वोट बैंक पहले क्या था, ये दलित ये ब्राह्मण जितने थे यही तो कांग्रेस के वोट बैंक थे। नेहरू गांधी परिवार जो ब्राह्मण थे हैं क्या है वो, एक मिनट मेरा वोट बैंक दलितों वाला गया, मेरा वोट बैंक ब्राह्मणों का गया, भाई चलो सबको एक कर दिया था, तुम्हारे मुझे साबित हो रहा है, इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है सर। एक सेकंड, आपकी बात से साबित है, अगर दलित और ब्राह्मण वोट देता था, एक अमेरिका में चला, एक अमेरिका में ऐसे नहीं होगा, प्लीज प्लीज एक ब्रेक लीजिए, एक ब्रेक लीजिए, एक ब्रेक लीजिए, एक ब्रेक लीजिए, एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 1984 का इतिहास मत याद दिलाइए अक्रम साहब, वरना सज्जन कुमार और जगदीश टाइकलर, सज्जन कुमार और जगदीश टाइकलर को बाहर नहीं बिठाना पड़ता आप लोगों को। और प्लीज कार्यक्रम, कार्यक्रम का एक नियम होता है, उस नियम को आप समझिए अक्रम साहब। आपने पूरा कार्यक्रम बर्बाद, आप पूरे कार्यक्रम में शोर मचाने आए आप, प्लीज प्लीज। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जीतो 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 जीतो, एक सेकंड, कार्यक्रम नीचे कर, एक सेकंड, 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 एक मिश्रा साहब, एक मिश्रा साहब प्लीज, एक सेकंड, अक्रम साहब, अक्रम साहब प्लीज, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, आपको मुद्दे पे बात करनी है, सर ये महिलाओं की तरफ, एक सेकंड, एक मिश्रा साहब प्लीज, अक्रम साहब मुद्दे पे बात करनी है आपको, यस बिल्कुल मुद्दे, और प्लीज जब आपका नाम लो, जब आपका नाम लो, जब आपका नाम लो तब बोलिए, एक सेकंड प्लीज प्लीज, मेरा फिर फाइनल है बिल्कुल, नहीं तो मैं थैंक यू बोल दूंगा, मेरे टाइम में भी कोई नहीं बोले, प्लीज एक सेकंड, भैया जीतू और दुर्गेश जी के पास मैं अब तक गया नहीं, और आप पूरा के पूरा पूरा कार्यक्रम को हाईजैक करना चाह रहे हैं अक्रम साहब, प्लीज ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप नहीं लड़ते जाति के आधार पे, हमने काम के आधार पर चुनाव लड़ा, नहीं है। जाति के आधार पे 2017 का चुनाव भी काम के नाम पर ही लड़ा था, एक सेकंड, जाति के आधार पे आप नहीं लड़ते, हम केवल अपने काम के नाम पर चुनाव लड़ते, सीधे आप बोल दीजिए तिलक तराजू और तलवार, किसको मारो जूते चार, बोलिए ना, जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सबका साथ सबका विकास, एक सेकंड देने की बात करते हैं, ठीक है सर। अब मेरा सवाल सुनिए, पांच काम चार साल में मोदी सरकार ने जो हिंदुओं के लिए किए, गिनवाइए सर, हिंदुओं के लिए पांच काम बड़े। सबसे बड़ा काम तो हिंदुओं के लिए ये किया, जो कल तक हिंदुत्व से चिढ़ते थे, अपने आप को हिंदू कहने पर चिढ़ते थे, ये पांच हिंदुओं के लिए जो गिनवा दीजिए, पांच काम ये हुआ कि आप अभी अभी एक सुनिए, आप पहले एक डिबेट में आपने मुझसे पूछा था कि अयोध्या में कितने लोग जाएंगे, मैंने कहा था 500,000 लोग जाएंगे, आपने कहा कि वहां अगर कोई एक बड़े जिम्मेदार होगा, मैंने कहा मैं हूं, इतने बड़े कार्यक्रम में एक छोटी मोटी झड़प भी नहीं हुई, पुलिस प्रशासन ने भी किसी, मैंने कहा तीन काम गिनवा दीजिए, पांच से मैं तीन पर आ गया, मित्र तीन पर आ गया, तीन पर आ गया, साफ हो गई धारा 300, तीन पर आ गया, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, साफ हो गई धारा 370, एक सेकंड, हैंडल किया जो गाय को काटने को रोकने वाला कानून आ गया आपका, यस 15 कानून आया घर में, आपने आवाज क्यों उठाई, आपने आवाज क्यों उठाई, हमने बच्चों को यूनिफॉर्म जानकारी, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट आया, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई, नहीं उठाई ना, ये आप लोग जात धर्म की राजनीति करते हैं, नहीं उठाई, दिखाइए ना।